इसके बाद भारत में प्रतिक्रिया शुरू हुई। स्क्रीन पर दिखाइए कंट्रोल रूम, गिरिराज सिंह क्या चाहते हैं। गिरिराज सिंह जो चाहते हैं वो देखिए आप, चीन की तारीफ और भारत को दे रहे गाली, चले देशद्रोह का मुकदमा, राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह। अब हटा दीजिए, भड़क चुके हैं काफी गिरिराज सिंह। बस थोड़ा सा मैं दो तीन मिनट का वक्त लूंगा दर्शकों से माफी के साथ, कुछ चीजें दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने आज अगर भाजपा की आलोचना कर दी, भारत और चीन के व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यूथ की स्थिति, बेरोजगारी की बात कर दी, तो गुनाह हो गया। मोदी जी ने भारत का मस्तक कब कब विदेश में बहुत ऊंचा किया है, जरा कुछ उदाहरण दिखाते हैं। एक साथ 6-7 तस्वीरें हमारे पास हैं और वीडियो ऑडियो बाइट है, ये सब विदेश के है, लोकेशन के साथ है। कंट्रोल रूम जरा साइड में प्ले कर दीजिए इसको, 6-7 एक साथ प्ले कर दीजिए जो विंडो है। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और, छोड़ो यार डूब गए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने टीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। सुना भाऊ आपने, एक साथ ये 6 तस्वीरें दोहा से लेके, लेकिन एक अभी और जोड़ देते हैं, इस कैम इंडिया, टोरंटो में, कनाडा में मोदी जी गए थे, ये है 2015 की बाइट, कहा कि पहले स्कैम इंडिया था, अब स्किल इंडिया हो गया, यानी 2014 से पहले ये पूरा भारत स्कैम इंडिया था, मोदी जी ने स्किल इंडिया में बदल दिया। जरा सुनाइए टोरंटो कनाडा, वो भी सुना दीजिए। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। इतना सुना, चीन पर ही सारा बवाल। चीन के संघाई में क्या बोला था 16 मई 2015 को, बवाल चीन पर है तो चीन जरूर चलना है स्पेशली सुनवाने के लिए। संघाई तारीख बता दूं, 16 मई 2015, सुनवाइए संघाई। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। सब लोग निकल पड़े उस दौर में, एहसान मोदी जी का जो ये देश छोड़ के नहीं गए, बाकी तो उस दौर में सब निकल पड़े थे, क्या देश है, कहां पैदा हो गए। भाऊ ये मोदी जी हैं, आज इनका हमने पूरा निकाला, कुंडली, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जहां से भी मिल पाया पूरा निकाला है और दिखा दिया है।
ये देशद्रोह का मुकदमा अगर राहुल गांधी पे होगा तो पहले तो इनको जेल में डालना चाहिए, बड़ा साफ साफ है। देश पहले इनको जेल में डाल के फिर बाद में राहुल गांधी पे केस की सुनवाई होनी चाहिए। देखिए आशीष जी, जिसने ये कहा गिरिराज सिंह जी, वो भी एक कूपण किस्म के इंसान है। ये ऐसे ही उलूल जुलूल वक्तव्य देकर मीडिया में रहना चाहते हैं। उनका मंत्री बनने का जो यूएसपी है ये बिना सर पैर की बात करने का है। बिना सर पैर की बात करने वाले इंसान को उसके इसी काबिलियत के लिए मंत्रिमंडल पे रखा गया है। ये एक कुएं के मेंढक जैसे हैं। इन्हें लगता है कि भारत के आसपास चीन जैसी दीवार है और भारत में क्या हो रहा है दुनिया को पता ही नहीं। जब आदरणीय मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि मणिपुर में सुरक्षित महसूस नहीं करते हम और अपने आप को भगवान नहीं कहना चाहिए, तो क्या ये बात विदेश में नहीं गई होगी? जब आप और हम बोल रहे हैं ये प्रोग्राम में, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि हमारी बात अक्रॉस यूरोप से लेके अफ्रीका और अफ्रीका से लेके कनाडा और कनाडा से लेके जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी कमेंट आते हैं? क्या हमें पता नहीं है ये ग्लोबल विलेज है? क्या इंफॉर्मेशन किसी को रोकी जा सकती है? अमेरिका में क्या हो रहा है, व्हाइट हाउस में क्या हुआ, ये 2 सेकंड के अंदर हमें पता पड़ता है। क्या यूक्रेन और रशिया की युद्ध की रिपोर्टिंग हमारे यहाँ नहीं हो रही है? तो भारत ही ऐसा देश है जहां की रिपोर्ट बाहर नहीं जाती होगी। यदि भारत की ग्रोथ चाइना से कम है तो ये इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है। ये राहुल ने तो इसको दोहराया है। भारत चीन से कितना आयात करता है ये आंकड़े चीन ने भी दिए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक बड़े बड़े एजेंसियों के पास है, सारी दुनिया जानती है चीन किस देश को कितना निर्यात करता है, उसमें भारत का कौन सा नंबर है। भारत का आयात और निर्यात यदि चीन के साथ देखा जाए तो कितना बड़ा डेफिसिट है ये सारी दुनिया जानती है। नहीं बता देते हैं, आपने चर्चा किया बता देते हैं। 2022 के आंकड़े हैं मेरे पास। 2022 में भारत और चीन के बीच 136 अरब डॉलर, 136 अरब डॉलर का कुल व्यापार था। अब आप सोचिए, आप तो इकोनॉमिक्स का बिजनेस का की रिपोर्टिंग भी आपने किया है, 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। 100 अरब डॉलर, 135 अरब डॉलर का कुल व्यापार है, 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है चीन के साथ। मैं वही कह रहा हूँ आपको, टोटल देश का 200 अरब डॉलर का हमारा डिफिसिट है, उसमें से अकेले चीन का आधा है। चीन से स्वदेशी मूवमेंट चलाता है, संघ क्यों चलाता है? चीनी चीजों का बहिष्कार करो ये कौन कहता है? संघ के स्वदेशी जागरण मंच कहता है ना। क्यों कहता है? वो कहता है कि गणेश की मूर्ति तक वहां से आती है। क्यों कहता है? आरी इसलिए कहता है ना, झूठ तो नहीं बोलता। या तो संघ झूठ बोल रहा है, गिरिराज किशोरी ठीक है, वर्ल्ड के सारे आंकड़े खत्म है, चाइना भारत से कुछ ला ही नहीं रहा है और ये बदनाम कर रहे राहुल गांधी। कल यदि रुपए की कीमत डॉलर से गिर रही है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर रही है। यदि राहुल गांधी ने कहा कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो बोलेंगे राष्ट्रद्रोह। मतलब ऐसा टॉप सीक्रेट बताया, अरे बाप रे इतना बड़ा टॉप सीक्रेट बता दिया, देखो देश की बेइज्जती हो रही है। भाई सुषमा स्वराज जी ने कहा था ना, जब रुपए की कीमत गिरती है तो भारत विश्व स्तर पर भारत की इज्जत भी गिरती है। अब तो इज्जत कहीं माइनस में चली गई, ढूंढने से मिल नहीं रही है। जो इज्जत ही नहीं रही है उसमें और कौन भी इज्जत करेगा? क्या मोदी जी ने लगा इज्जत रखने लायक? जिस देश की 70% आबादी सरकार के अनाज पे जिंदा है, 85 करोड़ लोग, 81 करोड़ लोग, इस देश में 5 किलो अनाज नहीं मिला तो भूखे सो जाते हैं। ये मैं नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री कहते होंगे तो क्या बाहर के देशों को सुनाई नहीं देता? अमेरिका का राष्ट्रपति का भाषण हम यहां सुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का भाषण वहां नहीं सुनाई देता क्या?